Let's talk about Bumrah again. The unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsman. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. और 35 over भी मुखालिफ टीम को खेलने नहीं दिए. 129 पर पूरी टीम इंग्लैंड की आउट हो गई और साथ ही साथ आपको बताएं कि इंडिया को 100 रन से जीत मिली. आज इंडिया ने फिर दिखाया है कि इट डजंट मैटर कि वो चेस कर रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं. तो स्कोर बोर्ड पर हम बात करें तो 203 रन का हदफ देखकर लग ये रहा था कि आज इंग्लैंड कोई कमाल ही कर जाएगा. ये शामी की बॉलिंग आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं. आज उन्होंने चार विकेट उन्होंने हासिल किए हैं. जस्ट द वे ही हिट्स द सीम. ये तो जब उन्होंने बॉलिंग की स्पेशली जसप्रीत ने और साथ में शामी ने जी. तो मतलब बहुत बड़ा मार्जिन है. इतने कम टोटल में इतना बड़ा मार्जिन अच्छा नहीं लग रहा ना. लेकिन साथ में रोहित शर्मा की बैटिंग चेंज बैटिंग कमाल. क्योंकि इंडिया जो इस वक्त हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं सबसे बेस्ट टीम अभी तक साबित हुई है. तमाम जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं, आज उनका छठा मैच था, तो 6 के 6 मैचेस इंडिया जीत चुका है. आई थिंक ये साबित करता है कि व्हाई दे आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल. पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा तो हम लोग एक्साइटेड भी हैं, नर्वस भी, और दुआएं भी अभी से मांगना शुरू कर दी हमने. वो तो असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है. सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भरी महफिल में पाकिस्तानी शोज में रोहित रोहित के नारे लग रहे हैं. पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की तारीफ करता नहीं थक रहा. इस मैच में वर्ल्ड कप में पहली बार भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की. हालांकि बल्लेबाजी के दौरान भारतीय बल्लेबाज इस पिच पर बड़े स्कोर नहीं बना सके. भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जल्दी ही पवेलियन लौट गए. कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 91 रनों की साझेदारी कर टीम को संभालने का काम किया. वहीं सूर्य कुमार यादव ने अंत तक ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 49 रन बनाए. वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड इस हार के साथ ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर गया. दरअसल इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में लगातार चौथी हार है. इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम ने कभी भी लगातार 4 मुकाबले नहीं हारे. पाकिस्तान की टीम भी इस वर्ल्ड कप में लगातार 4 मुकाबले हार गई है. ऐसे में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. स्कोर बोर्ड पर हम बात करें तो 203 रन का हदफ देखकर लग ये रहा था कि आज इंग्लैंड कोई कमाल ही कर जाएगा. लेकिन नहीं जी, इंडियन अगर बॉलर्स की बात करें तो इंतहाई उम्दा बॉलिंग करते हुए उन्होंने रन्स बनाने से रोके रखा. और अगर हम कल के मैचेस की बात करें, कल के दिन की बात करें, तो एक तरफ अफगानिस्तान और श्रीलंका जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे. आज का अगर हम मैच देखें और उसकी बात करें तो अच्छा था बहुत ज्यादा. और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी. और जितना हम वो स्कोर देख रहे थे और प्री मैच डिस्कशन हुई थी कि सेफ टोटल 340-350 अगर हो जाता है तो शायद चेस करना इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाए. लेकिन जब हमने स्कोर बोर्ड पर रन्स देखे तो एक टाइम पर उम्मीद जो है ना हमें मिलना शुरू हो गई. और जब विराट का आउट हुआ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख हुआ. ऐसा कभी कम ही देखने को मिलता है. आप इंडिया को सपोर्ट करना शुरू हो गई है और हमें लग रहा था कि डिबेकल स्टार्ट हो गया, बट नहीं हुआ. ना इसमें ऑब्वियसली जिस तरह हमने कल का मैच देखा था, ऑस्ट्रेलिया ने 388 किया और चेस में न्यूजीलैंड ने भी 383 किया. तो आपके हर विकेट पे ऐसा नहीं होने वाला. रीजन कि टॉस करके उन्होंने केस को प्रेफरेंस दी, नहीं तो वो तो जस्टिफाई हो गया ना. 229 पे आउट कर दिया. 229 नहीं करेंगे चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, तो आप डिजर्व नहीं करते फिर वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए. वो तो असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है. सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में. पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. आकिब सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, थोड़ी सी पिच की बात करेंगे. आप क्या समझते हैं आज पिच किस तरह से बिहेव कर रही थी और फिर इंग्लैंड का टॉस जीत कर फील्डिंग करने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यही फैसला जो है उनकी गलती की वजह बना और वो मैच हार गए? क्योंकि हम प्री मैच जब डिस्कस कर रहे थे तो आप यही कह रहे थे कि इनको बैटिंग करनी चाहिए. देखिए, उसमें बात यह है कि यहाँ विकेटों को रीड करना खासा मुश्किल हो रहा है. सर मुझे तो अब 31 का इंतजार है. पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा तो हम लोग एक्साइटेड भी हैं, नर्वस भी हैं, और दुआएं भी अभी से मांगना शुरू कर दी हमने.
बांग्लादेश से मैच इंडिया से दोबारा ये वाला कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस जब हम हो जाते हैं पता नहीं क्यों हम वैसे जो अभी तक परफॉर्मेंस है टीम की उसको देखते हुए दुआओं की हमें बहुत जरूरत है। हाँ। अभी ने दुआएं और सारे चिल्ले जो इंडिया के मैच के लिए रखे बाकी नॉर्मल क्रिकेट खेलने वो कौन से बहुत बांग्लादेश है, बांग्लादेश है नॉर्मल क्रिकेट खेले ऐसी कौन सी जंग लगी हुई है सर आपने अफगानिस्तान की दफा भी यही कहा था कौन सी कोई बड़ी बात है अफगानिस्तान है ना इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट हम बिल्कुल नहीं हो रहे हम ऐसे कहने से आपने ओवर कॉन्फिडेंट खत्म कर दिया है क्यों इन्होंने सब नॉर्मलाइज कर दिया पाकिस्तान टीम ने तो ऐसे ही है ना कि ऑन गिवन डे आप अच्छा नहीं खेलोगे तो फिर आप किसी से भी हार जाओगे बेसिक क्रिकेट है उसको अपने जो स्किल्स हैं उनको दिखाओ यही मौका है वर्ल्ड कप चार साल बाद आता है तो हीरो आप बनते हैं आप कुछ कर जाओगे तो दुनिया याद रखेगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये मैच था इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया इंडिया आया इंडिया ने 229 रन बनाए 230 का टारगेट सेट किया और 35 ओवर भी मुखालिफ टीम को खेलने नहीं दिए 129 पर पूरी टीम इंग्लैंड की आउट हो गई और साथ ही साथ आपको बताएं कि इंडिया को 100 रन से जीत मिली 100 रन से शिकस्त थी उन्होंने टीम जो मुखालिफ टीम थी इंग्लैंड उनको पहले जब इंडियन टीम ने खेलना शुरू किया तो हमने देखा कि उनका 39 पे तकरीबन 3 आउट हो चुके थे जिससे लगा कि ये क्या हुआ एक और अपसेट क्या होने जा रहा है क्योंकि इंडिया जो इस वक्त हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं सबसे बेस्ट टीम अभी तक साबित हुई है तमाम जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं आज उनका 6ठा मैच था तो 6 के 6 मैचेस इंडिया जीत चुका है अब तक की अनबीटेबल टीम है इंडिया और पॉइंट्स टेबल पर सबसे पहले यानी सर फहरिस्त मौजूद है पहले नंबर की ये टीम है और जब हमने इंग्लैंड का देखा इंग्लैंड चूंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहा और आज भी हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी तो आज भी इंग्लैंड की टीम इंडिया के सामने ढेर हो गई जीत ना सकी क्या आज की सिचुएशन रही पॉइंट्स टेबल पहले आपको दिखाते हैं जिसमें टीम्स की सिचुएशन देख लेते हैं इंडिया सर फहरिस्त है 6 मैचेस खेले हैं और 6 के 6 जीते हैं तो 12 पॉइंट्स इंडिया के बनते हैं साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है 6 में से 5 मैचेस जो है वो जीत चुका है और 10 पॉइंट्स मिलते हैं उसके बाद न्यूजीलैंड का नंबर है फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर श्रीलंका और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 6ठे नंबर पर मौजूद है पाकिस्तान ने अपने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने 6 मैचेस खेले हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अनफॉर्चुनेट हम देख रहे हैं कि सिचुएशन मौजूद है तो आगे क्या होने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैचेस की बात की जाए तो पाकिस्तान का अभी जो मैच होने जा रहा है वो बांग्लादेश के साथ मैच होगा और इसके अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ भी हमारा मैच होना बाकी है लेकिन चूंकि हम अभी आज के मैच की बात कर रहे हैं तो अगर बात की जाए इंडिया और इंग्लैंड के मैच की तो सारे खेल में आज कहाँ पर इंग्लैंड का हमने देखा कि चूंकि वो तो खैर पहले पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रही तो आज क्या क्या गलतियाँ खास तौर पर